दोस्तों आज किंग्स इलेवन पंजाब को चेन्नई सुपर किंग्स ने 10 विकेट से हरा दिया। और दोस्तों जीत के सूत्रधार रहे चेन्नई सुपर किंग के ओपनर, जिन्होंने आज रिकॉर्ड 181 रन की ओपनिंग साझेदारी की। यानी कि दोस्तों हम बात कर रहे हैं फाफ डुप्लेसिस और शेन वॉटसन की। दोस्तों फाइनली शेन वॉटसन की फॉर्म लौट आई है, सीएसके के लिए इससे अच्छा और क्या हो सकता है। दोस्तों चेन्नई ने मैच 17वें ओवर में ही जीत लिया और दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त पारी खेली आज शेन वॉटसन ने, जिन्होंने दोस्तों 53 गेंदों पर 83 रन की पारी खेली। इस आईपीएल में अब तक फेल हो रहे शेन वॉटसन को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था और चेन्नई टीम में इनकी जगह को लेकर भी बातचीत चल रही थी, लेकिन दोस्तों आज वॉटसन ने दिखा दिया कि उम्र के साथ खेल कभी फीका नहीं पड़ता। मैच के बाद दोस्तों शेन वॉटसन ने ऐसी बात कही जिसको सुनकर आप भी सोचेंगे कि खिलाड़ी हो तो ऐसा। जी हाँ दोस्तों, शेन वॉटसन ने आज मैच के बाद पोस्ट कॉन्फ्रेंस में धोनी को लेकर बहुत बड़ी बात। दोस्तों पोस्ट कॉन्फ्रेंस के दौरान वॉटसन बहुत इमोशनल होकर बोले कि चेन्नई सुपर किंग के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी हमेशा से ही मुझ पर बहुत भरोसा जताते हैं, अगर शायद मेरे अलावा कोई और मेरा कप्तान होता तो मुझे अब तक टीम से निकाल देता, लेकिन धोनी हमेशा मुझे बैक करते हैं। शेन वॉटसन ने दोस्तों चेन्नई सुपर किंग को बहुत मैच जिताए हैं और तो और आईपीएल सीज़न का फाइनल भी जिताया है 2018 में। दोस्तों वॉटसन ने कहा कि मेरी फॉर्म कई बार बाहर हुई है और अंदर आई है, लेकिन धोनी ने हमेशा मुझ पर सपोर्ट दिखाया और मेरा मनोबल बढ़ाया। चेन्नई सुपर किंग के इस धुरंधर ने कहा कि जब जब मेरी फॉर्म गई है इस टीम ने मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं होने दिया कि मैं इस टीम पर बोझ हूँ, लेकिन मैं खुद बीते 3-4 मैचों से सोच रहा था कि आखिर मैं क्या कर रहा हूँ। लगातार फेल हो रहे शेन वॉटसन, दोस्तों चेन्नई सुपर किंग इस बार आईपीएल के सीज़न में बहुत ही पिछड़ी हुई नज़र आ रही थी, लेकिन आज वॉटसन की फॉर्म आई तो चेन्नई भी अपने रंग में लौट आई। इससे मालूम पड़ता है कि चेन्नई का ये खिलाड़ी टीम के लिए कितना ज़्यादा महत्व रखता है और क्यों धोनी इन्हें हर मैच में खिलाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं ये मैच विनर है। तो दोस्तों वॉटसन और फाफ डुप्लेसिस की जो आज बल्लेबाजी है और वॉटसन का जो रिएक्शन धोनी पर है, जो हमेशा उन्हें बैक करते हैं, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। और दोस्तों सब्सक्राइब करें खेलो खेलो और भी खबर जानने के लिए।